डूम्स डे क्लॉक, दुनिया के महान वैज्ञानिक दे रहे कलयुग अंत का बड़ा संकेत। तो जय श्री नारायण दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डूम्स डे क्लॉक के बारे में। आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट में, वीडियो के कमेंट में, सोशल मीडिया के कमेंट में, हर जगह पे ये स्पैम किया कि डूम्स डे क्लॉक को एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये है क्या और किस तरह से ये दुनिया के अंत का, कयामत के अंत का, प्रलय के आने का संकेत दे रही है। तो आपको अगर छोटे शब्दों में बताया जाए तो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का एक सदस्यों का एक संस्थान है जो कि 1947 में बनाया गया था। उस समय में उन्होंने एक घड़ी बनाई, एक क्लॉक बनाई जिसे डूम्स डे क्लॉक कहा गया। और उसका जो मेन आधार था वो था दुनिया में मानव निर्मित जो तबाही हो रही है, मानव निर्मित जो आपदाएं आ रही है, उसको देख के ये आकलन करना कि इस हिसाब से कब तक मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा, कब तक इस दुनिया का विनाश कर देंगे मनुष्य। तो उसी की घड़ी की अभी के समय में कई सारी न्यूज़ वायरल हो रही है, बताए जा रहे हैं कि वो 90 सेकंड दूर हैं। तो पहले तो समझते हैं आखिर ये है क्या, कैसे ये काम करती है और किस तरह से एक तरह से कयामत का बड़ा संकेत दे रही है। डूम्स डे क्लॉक तबाही से केवल 90 सेकंड दूर है, दुनिया कयामत की घड़ी से 10 सेकंड हुए कम। अब ये जो 90 सेकंड वाला फॉर्मूला है ये आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दे, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ कि आखिर ये है क्या। तो डूम्स डे क्लॉक असल में एक घड़ी बनाई गई है जो कि रात के 12 बजे यानी आधी रात के आते ही इसका मतलब होता है कि दुनिया का अंत, कयामत या फिर प्रलय, महाप्रलय, मनुष्य जाति का अंत, इसका मतलब यही होगा। जब 1947 में इसे बनाया गया तब ये कयामत से बहुत ज़्यादा दूर थी, पर अभी के समय में यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, ये कयामत से सिर्फ 90 सेकेंड दूर रह गई है। मतलब इसका जो घड़ी का आंकड़ा है जो 12 बजने वाले हैं आधी रात के, उससे सिर्फ 90 सेकंड दूर है। हम लोग मानव जाति अपने अंत से केवल 90 सेकंड दूर है। 2022 में ये आंकड़ा 10 सेकंड ज़्यादा था यानी कि 100 सेकंड था, और इस साल 10 सेकंड और कम कर दिया गया है। और इसके विशेष रूप से कई सारे कारण हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर सिचुएशन। और एक और चीज़, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर को लेके कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। जब हम लोगों ने वीडियोस डाले थे कि 17 जनवरी से कुंभ शनि में प्रवेश करेगा जिसके कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं, मेनली उसका जो इफेक्ट था वो था वॉर की सिचुएशन बनना और नेचुरल डिजास्टर आना, बड़े लेवल पर अपनी इंटेंसिटी बढ़ाना। नेचुरल डिजास्टर ने अपना जो प्रकोप है वो दिखाना ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, चाहे जोशीमठ का जो सिनेरियो देखिए या फिर वर्ल्ड वाइड दुनिया में कई सारी चीज़ें हो रही हैं। मेनली अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात कर रहा हूँ वॉर की सिचुएशन के बारे में। उस वीडियो का कई लोगों ने अलग तरीके से मतलब निकाला कि वॉर का सिचुएशन बना ही नहीं, 17 जनवरी से ही लोग लग गए कि रात को 12 बजते हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर का न्यूज़ आता है कि नहीं। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस होती हैं वो ग्रहों के आधार पे होती है, जब वो इफेक्ट डालने में हो सकता है कुछ समय भी लगता हो। जो नेचुरल डिजास्टर का इफेक्ट था वो तुरंत देखने को मिला जमीनी स्तर पे शनि के कारण, तो जो वॉर की सिचुएशन है उस टाइम पे कुछ इम्प्लांट नहीं हुई, पर अभी के समय में उसमें बहुत से बदलाव हो चुके हैं। दुनिया इस मोड पे आ चुकी है कि कुछ ही हफ्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है। खैर, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसमें सारी न्यूज़ तुरंत आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन है तो आपको पता ही होगा। फिलहाल बात करते हैं डूम्स डे क्लॉक के ऊपर, और इसका भी एक बड़ा ताल्लुक वर्ल्ड वॉर से ही है। खैर, कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ते हैं जहाँ पर ये अमेरिका न्यूज़ और कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको पब्लिश किया है। डूम्स डे क्लॉक तबाही से केवल 90 सेकंड दूर है, दुनिया कयामत की घड़ी में 10 सेकंड हुए कम। कयामत की घड़ी साल 2022 से आधी रात को, मैंने बोला था आपको आधी रात को दुनिया का अंत माना जाता है, इंसानियत का अंत माना जाता है, आधी रात से 100 सेकंड पर सेट की गई थी, पर अब इसमें 10 सेकंड और कम कर दिए गए। हर साल वैज्ञानिकों की टीम मिलकर ये तय करती है इसे आधी रात से कितना और नज़दीक ले जाए जाए या कितना और कम किया जाए इसमें समय, जो विश्व के लिए बड़े खतरे का संकेत। ने कहा है कि हम गंभीर खतरे के समय में जी रहे हैं।
इसकी अगर और आप लोग न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ न्यूज़ के लिंक दे रखे हैं, आप चाहे तो उसे भी रीड कर सकते हैं। मेनली जो ये खतरा बता रहे हैं वो किस लिए बता रहे हैं उस चीज़ को भी समझते हैं। डूम्सडे क्लॉक, दुनिया एक बार फिर प्रलय के बेहद करीब पहुंच गई है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपने ताज़ा बुलेटिन में इसको लेकर गंभीर चेतावनी दी है। विश्व में तबाही का संकेत देने वाली घड़ी डूम्सडे क्लॉक को आधी रात से 90 सेकेंड पर सेट कर दिया गया है। इस घड़ी के मध्य रात्रि 12 बजने का मतलब है विश्व का अंत, कयामत का दिन, कलयुग का अंत। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा निर्धारित किया गया है, चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। इसको देखते हुए साइंटिस्टों ने परमाणु हमले की आशंका जताई है और महाविनाश से केवल 90 सेकेंड का समय तय किया गया है। खैर, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, आप चाहे तो मैंने बोला फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के ऊपर, कैसे मालिका की प्रेडिक्शन सही हो रही है, किस तरह से ये चीज़ें आगे काम करेंगी और बाकी सारी चीज़ें, बाकी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।